अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज मैं हूँ श्रीनगर में, अभी मुझे हस्पताल जाना है मम्मी को लेकर। मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी तो फर्स्ट रमज़ान को मैं श्रीनगर आया था मम्मी को लेकर। तो आज अपने घर में हूँ श्रीनगर, यहाँ मीरगुंड में। तो अभी मुझे जाना है। आप सभी को सबसे पहले रमज़ान का महीना मुबारक हो। तो अभी आप देख सकते हैं बुखारी मैंने जलाई हुई है, रूम में बैठा हूँ। तो मम्मी गई है बाहर, तो अभी बुखारी जला के गर्मी वगैरह करके तो अभी निकलता हूँ श्रीनगर की तरफ। इस व्लॉग में क्या कुछ रहेगा सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। रात से ज़बरदस्त बारिश हो रही थी तो अभी मैं टैंकी में पानी भर रहा हूँ, पानी ख़त्म हो गया है। तो जो आप देख सकते हैं पाइप को मैंने अभी फिट किया, पानी भी कम आ रहा है इसीलिए मैंने अभी लगाया, क्योंकि सुबह थोड़ा तेज़ भी होता है पानी। बाकी मौसम का नज़ारा आप देख सकते हैं। और यहाँ पे मैंने कपड़े धो के डाले थे टेंट पे, रात को बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तो अभी सूखे नहीं हैं। तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज लगाया हुआ है, इसको खाद वगैरह दे के सब कुछ लगा के गोड़ी करके कंप्लीट हो चुका है। ये प्याज अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है तो आप देख सकते हैं, जब मैं घर गया था उस टाइम लगा के गया था। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रहते हैं, बस कुछ दिनों से आए हैं यहाँ पे, तो इसलिए जब आते हैं तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह सब कुछ लगा देते हैं। नया ही सब कुछ सेट हुआ है यहाँ पे। बारिश हो रही है, आज मौसम भी कुछ ठीक नहीं, आप देख सकते हैं बारिश हो रही है। अभी मैं चाय लेके जा रहा हूँ अंदर ये लिफाफे में, तो मम्मी को भी पिलानी है और खुद भी। बाहर अभी बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। इतनी यहाँ पे दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के मैं थक गया हूँ आप देख सकते हैं। तो आज मौसम भी काफ़ी साफ है अल्हम्दुलिल्लाह। ये इतनी दवाइयाँ आप देख सकते हैं मैं लेकर जाता हूँ, मेरी मम्मी ठीक नहीं है तो बहुत मुझे फील होता है कि इतनी दवाइयाँ उनको लगती हैं फिर भी वो ठीक नहीं रहती हैं। तो अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए। आप देख सकते हैं कितना भी जगह जगह घूम के कम से कम ये दवाइयाँ लेने के लिए 10 जगह एंट्री करवानी पड़ती है गोल्डन कार्ड पे। अब ये एक टेस्ट है, ये पूछना है रेड में जाएगा, ग्रीन में जाएगा या किस में जाएगा, तो इसका कंफर्म करके आना है। ये 3 टेस्ट लिखे हैं जिनका खर्चा 7-8 हज़ार तक है, ये मुझे प्राइवेट करवाने हैं तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। डेट ऑफ एडमिशन तो अभी मुझे जाना है हेडवन हॉस्पिटल में। तो यहाँ पे जो टेस्ट मुझे लिखे थे 3 वो वहाँ पे होंगे, एक टेस्ट प्राइवेट होगा, तो मैं जा रहा हूँ अभी हेडवन की तरफ। यहाँ से मुझे गाड़ी में चढ़ना है डल गेट से।
जहांगीर चौक में हूँ, तो यहाँ से मुझे दूसरी गाड़ी पे चढ़ना है। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ, हेडवान अभी पहुँचा नहीं, टेस्ट भी करवाने काफ़ी टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो अभी हो रही है बारिश, एक टेस्ट मैंने छोड़ दिया ब्लॉक रूम नंबर 17 में, तो मंडे को मिलेगा दूसरे जो दो टेस्ट हैं वो प्राइवेट मुझे करवा लेंगे। तो अभी बारिश हो रही है, मैं जा रहा हूँ वापस बाहर। गोल्डन कार्ड का कह रहे हैं चलेगा चलेगा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक ही टेस्ट हुआ, बाकी मुझे प्राइवेट ही करवाने पड़े। अभी मैं पहुंच चुका हूं डल गेट में वापस, अस्पताल में मुझे जाना है, तो जाम तक काफ़ी लेट हो गया। वीडियो को पूरा देखिएगा और अपना सपोर्ट कीजिएगा।